अबे बजा तेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 Reviews। दोस्तों, जिस मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग पर डायरेक्टर सवाल उठाते थे, उसने पहले ही फिल्म में जीत लिया नेशनल अवार्ड। मिथुन चक्रवर्ती का नाम 80 के दशक के उन बॉलीवुड एक्टर्स में शामिल है जिन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार को टक्कर दी। मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार के तौर पर भी जाना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती समाज के हर श्रेणी के लोगों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। किसी के लिए दादा के तौर पर वो उसके डिस्को डांसर है, तो कोई उनकी एक्टिंग का कायल है। सकाले बियर, दोपहरे राम, राते व्हिस्की, फुल डे टॉन्ग। 80 के दशक से लेकर आज तक उनकी ये चमक फीकी नहीं पड़ी। एक समय था जब मिथुन दा डायरेक्टर्स के पास काम मांगने जाते थे। वही एक ऐसा भी समय था जब अमिताभ बच्चन की चमक भी उनके आगे फीकी पड़ने लगी थी। उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। मिथुन दा ने मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा और हिंदी सिनेमा में काम किया है। 48 साल से अधिक के करियर में उन्होंने बंगला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया और भोजपुरी भाषाओं की लगभग 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। मिथुन को उनकी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। उन्होंने सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बनाई। 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। 1982 में आई उनकी फिल्म डिस्को डांसर से उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। ये फिल्म और इसके गाने को यहाँ से ज्यादा रशियन कंट्रीज में पसंद किया गया। रूस, जो उस वक्त सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वहाँ इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मिथुन चक्रवर्ती की बेस्ट फिल्में और उन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, मृगया। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत 1976 में आई मृणाल सेन द्वारा निर्देशित आर्ट हाउस ड्रामा मृगया से की। उन्होंने इस फिल्म में घिनुआ नामक एक शिकारी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। ये फिल्म हिंदी और बंगाली भाषा में रिलीज हुई थी। नंबर 2, ताहदीर कथा। इसके बाद उन्हें 1993 में आई फिल्म ताहदीर कौथा के लिए दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। बुद्धदेव दासगुप्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक फ्रीडम फाइटर की भूमिका निभाई है। ये फिल्म बंगाली में रिलीज हुई थी और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद। मैं क्यों मांगू, तू मांग, किंतु तू तो मेरी माँ को मानता ही नहीं। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला था। इस फिल्म में वो एक हिंदू मॉन्क के किरदार में नजर आए थे। ये फिल्म हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज हुई थी। फिल्म किसी कारणों से सिनेमा घरों में रिलीज हो ही नहीं सकी। इसका प्रीमियर राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर किया गया था। नंबर 4, अग्निपथ। और मैं कृष्णन अय्यर जमजा या नारल पानी वाला। साल 1991 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म अग्निपथ में कृष्णा अय्यर नारियल पानीवाला के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ अमिताभ बच्चन, माधवी, नीलम और डैनी डेंजोंगपा जैसे एक्टर्स नजर आए थे। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन की आलोचना हुई, लेकिन मिथुन के रोल को क्रिटिक्स ने सराहा और लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। नंबर 5, जल्लाद। किस किस की औलाद है तू, किस किस को बाप कहेगा।
1995 में कम बजट में बनी फिल्म जल्लाद ने बॉक्स ऑफिस पर 6.61 करोड़ रुपए की कमाई कर सबको चौंका दिया था। मिथुन ने इस फिल्म में विलेन का किरदार निभाया था और इसी खतरनाक रोल के चलते उनके हिस्से में ये अवार्ड आया। साल 1996 में बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।